शीट नंबर 54 हमने स्टार्ट की थी और ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। हमने इसमें चेन तक का क्वेश्चन किया था। हमने इस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि आपके पास एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम की लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्वेश्चन में यू गिवन है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। वैसे आपको जो ऑब्जेक्टिव शीट्स ट्राई करने को दी गई हैं ये उसका क्वेश्चन है। तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमने कितनी दी पेंडुलम को? यू। पेंडुलम बिल्कुल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल होते ही, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन, इसने और भी ऊपर जाना था। ये एक्चुअली पेंडुलम में नहीं है, एक पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन में, ऐसे बोलना चाहिए। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इसकी यू है। तो जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी यू है, तो जब ये सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, कैसे? ये मान लो एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी यू है, इसको किस में घूमना है? सर्कल में जाना है। और जब ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ हो जाएगी? ऊपर। वो कितनी होगी ये बताया नहीं इसने। इसने ये बताया है कि लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आप हमसे ले लो u, और जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो वेलोसिटी v हो गई। अब v कितना होगा वो आप निकाल लो। v कैसे निकालोगे? बाय एनर्जी कंजर्वेशन। जब कोई भी सर्कुलर मोशन का टॉपिक है या पेंडुलम का टॉपिक है और एक पॉइंट की एनर्जी आपको गिवन है और दूसरी की एनर्जी आपको निकालनी है, तो आप क्या लगाते हो? एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें कुछ इस तरीके से करेंगे कि सपोज ये एक पार्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल हो गया, सच दैट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी यू और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी? वी। राइट, यहाँ तक क्लियर है? तो कुछ ये सिचुएशन बनेगी, ऐसे बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर, और मान लो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इस पॉइंट पर बोथ विल रिमेन सेम। लोएस्ट पॉइंट को ग्राउंड लेते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर? जीरो। काइनेटिक यहाँ पर क्या होगी? हाफ एम यू स्क्वायर। और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी? एम जी एल। और काइनेटिक क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी का सम सेम, यानी कि हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल। तो एम 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 कैंसल, तो यहाँ से वी स्क्वायर बाई टू विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू माइनस जी एल। टू एलसीएम ले लो तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस टू जी एल। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अगर सर्कुलर मोशन के अंदर एक पॉइंट की वेलोसिटी आपको गिवन है और दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्या इसमें कोई डाउट? ठीक है यहाँ तक? अब उसने एक स्टेप और एक्स्ट्रा पूछ लिया। उसने ये पूछ लिया कि अब यहाँ की वेलोसिटी यू है, यहाँ पे वेलोसिटी वी है, आपको वी पता लग चुका, आप मुझे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बोलो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मतलब वी वन वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एक बात बताओ कि ये वेलोसिटी यू है, ये वी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। तो एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ टू वेलोसिटी वेक्टर कितना? 90। तो अगर आपका जो वेलोसिटी वेक्टर की जो वैल्यू है, इसमें दो वेलोसिटीज के बीच में अगर एंगल 90, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसमें यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू इंटू यू इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस 90 जीरो होता है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसके? चेंज इन वेलोसिटी का अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ से क्या आएगा? यू स्क्वायर माइनस टू जी एल। तो वी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, यहाँ से इसको ऐड करेंगे टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एल, या फिर कॉमन आ जाएगा टू, तो यू स्क्वायर माइनस जी एल, ये आपका फाइनल क्या माना जाएगा? आंसर।
तो डेल्टा वी कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है यहाँ तक कि आपको ऑब्जेक्टिव शीट की प्रॉब्लम है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आपने ट्राई करना है इसे। ठीक, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एंड कॉन्स्टेंट पावर है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, एस की वैल्यू बतानी है। आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे, एस प्रोपोर्शनल टू टी पावर 3/2, टी की पावर हाफ, टी की पावर -3/2, आपको एक ऑप्शन मार्क करना है। तो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि बड़े अजीब से क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पावर इक्वल टू ए की फॉर्म लगता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, पर उसमें हमने वेलोसिटी का वेरिएशन देखा था पावर के साथ, रेज टू पावर 1/3 कुछ ऐसा आंसर आया था। तो हमने वेलोसिटी का वेरिएशन पावर के साथ निकाला था, कैसे निकाला था, वहीं से वही स्टेप फॉलो करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है इस टाइप की प्रॉब्लम, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक तरफ, पावर और मास एक तरफ, और यहाँ से एक्सेलरेशन क्या है, डीवी बाय डीटी। तो यहाँ से ये टर्म आ गई। अब क्योंकि टाइम नहीं चाहिए था, एस चाहिए था, लास्ट टाइम सेम क्वेश्चन रिपीट है ये, तो डीएस से मल्टीप्लाई और डीएस से डिवाइड किया था, तो दोनों को डिवाइड किया और डीएस बाय डीटी को क्या लिखा था, वी, और डीवी बाय डीएस को एक तरफ, तो डीएस बाय डीटी वी, वी इंटू वी क्या बन गया, वी स्क्वायर। तो यहाँ से वी स्क्वायर और डीवी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे। वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन वी क्यू बाय 3, पी बाय एम, और 1 डीएस की इंटीग्रेशन एस। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी की वैल्यू आई थी। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था, यहाँ तक हमने कर लिया था, तो यही इसका आंसर था। उसने एक स्टेप और फालतू पूछ लिया, उसने कहा वेलोसिटी तो आ गई, आप मुझे एक्स का वेरिएशन बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ किसके प्रोपोर्शनल है। एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसके बाद वेलोसिटी को लिखेंगे डीएस बाय डीटी। इस क्वेश्चन में पावर और मास कांस्टेंट है, पूरी की जगह क्या पुट कर लिया, के कांस्टेंट, ताकि इतनी बड़ी टर्म ना यूज करनी पड़े। तो यहाँ से डीटी राइट की तरफ, एस वाली टर्म्स एक तरफ, के और डीटी एक तरफ, इसको इंटीग्रेट करेंगे, एस की पावर -1/3 की इंटीग्रेशन एस की पावर 2/3/2/3, और टाइम की इंटीग्रेशन टी। ये 2/3 राइट पे चला गया, तो एस रेज पावर 2/3 इसके इक्वल है, और 2/3 जब राइट पे जाएगा तो एस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 3/2। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है आपकी ऑब्जेक्टिव की, चेंज होके नहीं आएगी, तो इसका आंसर कई लोगों को याद हो जाता है, जो ऐसे किसके प्रोपोर्शनल, ऐसे क्वेश्चन में पावर कांस्टेंट है, टी रेज टू पावर 3/2। तबड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप सीधा फॉर्मूला ही कर सकते हैं, एस प्रोपोर्शनल टू टी रेज पावर 3/2, नॉट फॉर एनसीईआरटी। कैसे लगेगा, वी तक तो आ गया, वी से एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन मोशन, कॉन्सेप्ट तो मोशन का ही लगाया है ना, वी से एक्स निकालने का इंटीग्रेशन। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव शीट की ही प्रॉब्लम थी, अगर आपने ट्राई की हो तो आपको जरूर मिलेगी, इसमें चेक करें। पार्टिकल जिसका मास m इज मूविंग इन अ सर्कल, एक पार्टिकल जिसका मास m है, सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस कांस्टेंट है, सच दैट पार्टिकल की सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला है। अब क्या खास है इस फॉर्मूले में, खास इसमें टाइम है, टाइम तो कांस्टेंट होता ही नहीं कभी भी, तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन इसमें क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन वेरी कर रही है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि इसमें पार्टिकल की पावर क्या होगी, पावर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब पॉइंट नंबर वन, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे करना था, पर यह समझ में आ रहा है, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अंडर रूट लेके वी आ गया। वी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और चेंज हो रही है, और अगर स्पीड वी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इस केस में एक और एक्सीलरेशन रोल प्ले करेगी, जिसका नाम क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, क्योंकि जब स्पीड चेंज होती है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रोल प्ले करती है। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का एक ही फॉर्मूला है, डीवी बाय डीटी। तो वी की वैल्यू को आप के आर टी यहां पुट करेंगे, के आर कांस्टेंट है, डीटी बाय डीटी 1, तो ये क्या आ गई, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब मुझे ये पता है, हमने जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, कि जो कोई भी बॉडी अगर सर्कल में घूमती है तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन या सेंट्रिपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है,
क्योंकि फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो है। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो है तो वर्क डन जीरो तो पावर भी जीरो है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जीरो तो सेंट्रीपिटल की पावर भी जीरो है। तो हमने भी क्या निकालना है, इसमें पावर तो निकालनी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पावर क्या आएगी इसमें, जीरो। पर यहाँ पर दो दो फोर्सेज ऐड कर रही हैं, सेंट्रीपिटल भी कर रही है और साथ में टेंजेंशियल फोर्स भी ऐड कर रही है। तो हम एक काम करेंगे, दोनों की पावर निकालेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की पावर तो आ गई जीरो, छोड़ दें इसे, टेंजेंशियल फोर्स की पावर आएगी। टेंजेंशियल फोर्स की पावर क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। टेंजेंशियल फोर्स क्या है, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं कितनी, के आर, और वी की वैल्यू भी ऊपर निकल चुकी है, के आर टी। तो इस वी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, के आर टी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पावर आ गई ड्यू टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि दो दो फोर्सेज हैं, एक सेंट्रीपिटल है और एक टेंजेंशियल है। सेंट्रीपिटल तो कोई काम नहीं करेगी और पावर भी जीरो हो जाएगी, टेंजेंशियल की वजह से पावर का ये फॉर्मूला आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन मार्क करेंगे, नॉट फॉर एनसीईआरटी, अगेन ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव शीट की प्रॉब्लम है, वैसे तो क्वेश्चन पढ़ें एक बार। देखो क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद सम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। एक पार्टिकल वी नॉट के साथ मूव कर रहा है। इफ थ्री फोर्थ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, थ्री फोर्थ तो गई टी नॉट टाइम में, तो म्यू निकाल लो। तो बॉडी स्लाइड कर रही है, जब एक बॉडी स्लाइड करेगी तो कोई बताएगा इसमें रिटार्डेशन क्या होगी। जब ये बॉडी स्लाइड करेगी तो रिटार्डेशन क्या होगी, जब ये बॉडी स्लाइड करेगी तो रिटार्डेशन क्या होगी, रिटार्डेशन क्या होगी, बॉडी स्लाइड करेगी तो रिटार्डेशन क्या होगी, कौन बॉडी को रोकेगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू जब एक बॉडी ग्राउंड पे है क्या होती है, म्यू टाइम्स एम जी, तो रिटार्डेशन क्या होगी, मास हटा दो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम एम जी रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस म्यू टाइम एम जी। तो जब भी कोई बॉडी स्लाइड करती है रिटार्डेशन हमेशा क्या होती है, माइनस म्यू इंटू जी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कितनी है, थ्री फोर्थ, पार्टिकल के पास बची कितनी, वन फोर्थ। तो अगर पार्टिकल की एनर्जी वन फोर्थ करनी है काइनेटिक, तो एक बात बताओ वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, पहले एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, अब एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट बाई टू का स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फोर। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर वन फोर्थ हो गई या वन फोर्थ रह गई तो वेलोसिटी कितनी रह गई, वी नॉट से वी नॉट बाई टू। क्या इस स्टेप समझ में आ रहा है, तो वेलोसिटी वी नॉट से वी नॉट बाई टू हो गई, तो वेलोसिटी वी नॉट से वी नॉट बाई टू। ऐसा क्यों हुआ, फ्रिक्शन रिटार्डेशन प्रोड्यूस की। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लें, फाइनल वेलोसिटी वी नॉट बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी वी नॉट, रिटार्डेशन इसमें माइनस म्यू जी, और कितने समय में ऐसा हुआ, टी नॉट। सॉल्व करके क्या आ गया, म्यू आ गया। कोई डाउट इसमें, काइनेटिक एनर्जी पहले देखो, काइनेटिक एनर्जी थ्री फोर्थ खत्म हो गई, बची कितनी, वन फोर्थ। तो आप खुद सोचिए कि अगर काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, अब नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, वन फोर्थ। वन फोर्थ कब होगी, जब वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट बाय टू, तभी तो वन फोर्थ का फैक्टर आएगा, तो वेलोसिटी वी नॉट बाय टू होगी।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन देखें, ये भी ऑब्जेक्टिव शीट की शायद प्रॉब्लम थी कुछ ऐसी। अ मैन रनिंग एट हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय, एक मैन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी आधी है किससे, बॉय से, ऑफ हाफ द मास, तो बॉय का मास भी आधा है, बॉय की काइनेटिक एनर्जी भी आधी है, दोनों आधा आता है। केस नंबर वन। केस नंबर टू, मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड। मैन ने अपनी स्पीड, अगर मान लो मैन की स्पीड पहले यू है, अब नई स्पीड उसकी क्या हो गई, यू प्लस वन, बढ़ गई। ऐसा करने से वो कह रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय और मैन क्या हो गई, सेम। वो बोल रहे सेम हो गई, आप मत सोचें कि सेम क्यों हुई, तो बोल रहे तो बोल रहे सेम हो गई। तो आपको दो केसेस को सॉल्व करके दोनों की वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो अच्छा, केस नंबर वन क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय गिवन है। तो मान लो मैन की एनर्जी वेलोसिटी कितनी है, यू है, और बॉय की कितनी है, यू डैश है, और वो क्या कह रहा है कि हाफ, मैन का मास अगर 2m है तो बॉय का हाफ मास है, तो आधा मास 2m का आधा क्या होगा, m। तो क्या करेंगे इसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन हाफ इंटू 2m इंटू यू स्क्वायर इज हाफ इंटू हाफ ऑफ व्हाट, हाफ इंटू m इंटू यू डैश का स्क्वायर। ये ऐसे करेक्शन है, यू डैश का स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, मैन की वेलोसिटी u है, बॉय की यू डैश है, और ये फैक्टर हाफ है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ है। सही है यहाँ तक? यहाँ से मास और हाफ कैंसिल करके दोनों की वेलोसिटीज का रिलेशन आ गया। क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक? ये केस नंबर वन है। केस नंबर टू, मैन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी बाय वन, अब मैन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ 2m, वेलोसिटी कितनी थी u, u प्लस 1 का स्क्वायर, हाफ काइनेटिक एनर्जी अब सेम हो गई, हाफ, बॉय का मास तो मैन से आधा है और वेलोसिटी यू डैश है, तो यू डैश हम निकाल चुके कितनी, 2u, तो यहां पे पुट कर दिया 2u, इसे सॉल्व करके यू कैन बी कैलकुलेटेड, यू आ गया तो यू डैश भी आ जाएगा। तो दूसरी क्वेश्चन कैसे बनी समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहली बनाई फिर दूसरी बनाई, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, ठीक है यहां तक? तो कैसे सोचना समझ में आ रहा है इसमें? ओके,